Zoom Zoom इसको RDX से भी ज्यादा ब्रूटली ऑनेस्ट एंड एब्सोल्युटली नॉलेजेबल बताओ है कोई और शो जिसमें मिलते हैं आपको इतने ऑनेस्ट और एक्सक्लूसिव इनसाइट्स नो गाइस इट्स ओनली हियर ऑन पेस्ट्री एक्सट्रीम हमारी पार्टी शाडी में फिर आ रही है पेस्ट्री हॉट शॉट और ग्लैमर मीडिया की धड़कन लेट्स वेलकम हमारी अपनी पेस्ट्री की बिग बी सिमी चंडोक सिमी बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से शो में

सो दिस वॉज ऑफ डिफरेंट यू नो दीपक इन द सेंस की एक रैम्प नहीं था बोरिंग सा और फिर यू नो क्लास के जैसे रोज लगी होती हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन योर स्टैटस आप आगे बैठे हैं या पीछे बैठे हैं तो हर कोई यू नो यूजअली रेगुलर फैशन शोज में यही सोच रहा होता है कि कौन फ्रंट रो में बैठा है मैं सेकेंड रो में बैठा हूँ यू नो हू इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन मी एंड हाफ द टाइम तो उनका ईगो में ही ये चला जाता है कि मुझे फ्रंट रो में कौन देख रहा है या मैं अगर पीछे बैठा हूँ तो मुझे कौन देख रहा है एंड नो बडी इज रियली लुकिंग ऑनेस्ट आई मीन लॉड ऑफ पीपल डोंट बट यहाँ पे इन्होंने सिस्टम भी पूरा बहुत चेंज कर दिया था पूरा लाउंज जैसे बना हुआ था एंड यू नो यू वो लिटरली इट वॉज लाइक इमेजिन किसी बड़े लाउज में यू नो लाइक किसी Um, okay. But as a room, like a party, ho, rahi ho and a lot of couches ho, and everybody was just sitting on couches, you know, casually enjoying themselves and um, you know having their drinks and uh, watching the show. So ramp tha, but it was very unconventional way of uh, showcasing jewellery and you know, everything. So that was very nice. So was it like inside a showroom or something? No, or no. It was in a regular five-star hotel. Oh, lovely. Achata, ha. And um, the you know, usually ramps are white ya, black, you know. It was different because their collection was inspired by nature. Okay. So to, they took all the colours of flowers, you know, and they took a lot of pastel colours. And so you didn't see uh, just boring black and whites on the ramp or something, you know. It was totally unconventional very colorful uh very nice that's something new yeah so it was different so you know मुझे मुझे काफी मजा आया actually वहां पर तो सिमी अगर मजा मीटर के लिए पूछे तो कितना देंगे आप well like i said मुझे मजा तो आया वहां पर and you know um got to chat with a lot of people and काफी देर के बाद थोड़ी socializing भी की okay and um uh, i would give it a 4 out of 10 फॉर दिम्पल रीजन आई मीन आई मैं आर्टिफिशल ज्वेलरी पहनती नहीं हूँ तो मैं अडमायर जरूर करती हूँ बट uh, इसलिए मैं मजा दूंगी फोर आउट ऑफ टेन अगर रियल डायमंड uh, होते तो तो आई थिंक कुछ टेन के आगे अगर मैं दे पाती स्कोर पे तो मैं जरूर देती बट वेरी नाइस डिजाइन वेरी प्रिटी स्टाफ बट बी रियल अगर डिजाइन की बात करें तो कुछ स्टाइल में आप क्या देंगी Uh, style was Saratha. It was a nice evening, uh, you know, affair. So people came dressed, and um, it wasn't bad. I would give it a five out of ten. You know, it's varied styles. You know, koi dress code. There was no, no such particular thing. A lot of people have shown up in one color or anything. Okay. But uh, nice, well dressed. I think people are looking forward to a good event after a long time. So five out of ten. वैसे सिमी आपके इयररिंग्स काफी चमक रहे हैं आज मैंने <laughs> नोटिस <laughs> किया <के. laughs> लगता है वही इवेंट के से नहीं <laughs> ये क्रिस्टल के नहीं है राइट <laughs> <laughs> right. तो सिमी अटेंडेंस में कितना देंगे आप अटेंडेंस में यू नो देयर वर फ्यू फिल्म पीपल जो तो होते ही हैं हर इवेंट में यू नो एंड अगेन यू नो चेक आउट द फुटेज एंड आई थिंक आवर व्यूअर्स विल बी एबल टू गिव द स्कोर्स इफ दे बीन वाचिंग आवर शोस फॉर सो मेनी वीक्स एंड सब यू नो काफी सारे लोग थे लॉट ऑफ फोमिलर फेसेस तो फाइव ऑफ टेन ओके या दैट्स नाइस